जनता से फेसबुक पर जुड़े डीजीपी बिहार पुलिस वाले को दी नसीहत, कहा दलालों और ठेकेदारों से करे परहेज। डीजीपी के कथनानुसार विधि व्यवस्था में परिवर्तन पुलिस वाले के हाथ में। अगर आप जनता की सेवा सच्चे दिल से करोगे तो जनता भी आपकी कदर करेगी। बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के लिए पुलिस की वर्तमान व्यवस्था एक चुनौती है। इसके लिए डीजीपी ने बुधवार को फेसबुक के जरिए पुलिस और आम जनता को एक कड़ी में जुड़कर जनता की समस्याओं का समाधान करने की सलाह दी, ताकि जनता का पुलिस वाले पर पूर्ण भरोसा हो। श्री पांडे ने यह भी कहा कि मैं जनता का सेवक हूँ और जो भी हूँ जनता के लिए हूँ। अगर पुलिस वाले चाह ले परिवर्तन होगा, क्योंकि विधि व्यवस्था पुलिस के हाथ में है, बशर्ते भावना सही हो। श्री पांडे ने यह भी कहा कि हमने देखा है कि सही पुलिस वाले को जनता ने इज्जत दी है। बिहार की सही लोगों का इज्जत करना अच्छी तरह जानती है, यह तो हमारी संस्कृति है। गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार के संकट मोचक कैसे बने? डीजीपी ने कहा, थाना प्रभारी थाना का हीरो होता है, दलालों और ठेकेदारों को जनता और पुलिस के बीच से हटाकर सेवा करे तो उसकी बरप्पन है। पेंडिंग केस का जिक्र करते हुए डीजीपी ने थाना प्रभारियों को हिदायतन सलाह देते हुए केस में फरार पेशेवर अपराधी जिनके खिलाफ वारंट है उसे इस तरह नस्नाबूद कर दिया जाए कि अपराधी पुलिस और न्यायालय से बच न सके। इसके लिए उसका घर दरवाजा तोड़ना पड़े तोड़ दें और उनकी संपत्ति जब्त करें। इससे पहले भी डीजीपी ने पुलिस व्यवस्था को सही करने के ख्याल से स्वयं पटना में देर रात गश्त पर निकले और एसएसपी के दफ्तर का औचक निरीक्षण करते हुए आदेश दिया कि सभी पुलिस वाले दफ्तर के बजाय सड़क पर नजर आए, तभी हमारा मिशन पूरा होगा। डीजीपी का यह अभियान पुलिस व्यवस्था को सुधारने हेतु तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ की जनता पुलिस के क्रियाकलाप से संतुष्ट न हो जाए। अगर आप फेसबुक देख रहे हो